में ये बात अच्छी समझ आती है कि अगर हम एक सवाल को कई तरीकों से हल कर सकें, ठीक है। और अक्सर अक्सर मैथ्स के सवालात के अंदर हम जो है वो एक सवाल को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो हल कर सकते हैं। तो अभी हमने पिछले जो लेसन था उसके अंदर एक फलों का जो है वो एक सवाल जो है वो हल किया था, जिसमें हमें पता था कि एप्पल्स टू ऑरेंजेस का जो रेशियो है वो 5:8 था, और उसमें से हमने जब 15 जो है एप्पल्स निकाल दिए तो रेशियो 1:4 का रह गया, और हमसे पूछा गया था कि ये फल जो बाकी रह गए उनकी तादाद कितनी है, ठीक है। तो हमने जो है वो तफसील के साथ मसलन समझने की कोशिश की थी कि कैसे जो है वो ये रेशो जो है तब्दील हुआ, और मुख्तलिफ जो है हमने एक्सप्रेशंस जुमले लिखे थे जो मुख्तलिफ तादाद को जो है जाहिर कर रहे थे, और आखिर में हमने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि कितने फल रह गए। अब हम इस लेसन के अंदर उसी सवाल को एक ज़रा थोड़े मुख्तलिफ तरीके से करके देखते हैं, और हो सकता है कि बाज़ लोगों को ये तरीका ज़्यादा पसंद आए। तो इस तरीके में हम पहले फ़र्ज़ करते हैं दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक ए है जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, यानी हमारे पास शुरू में जितने सेब हैं वो उनकी तादाद ए है, और शुरू में जो हमारे पास ऑरेंजेस हैं ओ, उसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि ये ऑरेंजेस जो हैं ये ओ बाकी बाद में भी जब हमने सेब निकाल लिए तो ये तादाद उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हम जो है ज़रा अपना बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड उसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है सवाल का ये हम उठा के तो इस खाली बोर्ड के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब ए जो है हमारे पास एक वेरिएबल है और ओ भी हमारे पास एक वेरिएबल है। ये ओ वेरिएबल जो है इसको याद रखिएगा, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा होता अगर हम कोई और वेरिएबल ले लेते इस जगह पे, क्योंकि ये ओ जो है ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि ये देखने में ज़ीरो भी लगता है। तो ए अपॉन ओ जो है ये रेशियो हमारे पास शुरू में, क्योंकि ए जो है ये तादाद है सेबों की शुरू में जो हमारे पास जब हमने सेब नहीं निकाले इसमें से, तो वो 5:8 का है। तो हमने ये एक छोटी सी इक्वेशन लिख ली, ए अपॉन ओ जो है ये बराबर है 5/8 के। अब जब हमने 15 एप्पल्स जो हैं वो इसमें से निकाल लिए, तो ए जो है उसमें से 15 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तफरीक दे दी उसको, तो ए माइनस 15 जो है वो हो गए अब नए जो हमारे पास जो सेबों की तादाद है 15 सेब निकालने के बाद। और हमें मालूम है कि ए माइनस 15 जो नई है तादाद सेबों की डिवाइडेड बाय ऑरेंजेस, वो वही रहेंगे क्योंकि हमने ऑरेंजेस नहीं वैसे के वैसे रहे हैं जितने पहले थे, वो अब रेशो 1:4 का हो गया, ठीक है जनाब। तो बस ख्याल कीजिएगा कि ये जो ओ है ये वेरिएबल है हमारा, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो जो हैं वो इक्वेशंस जो हैं वो आ गई। तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस ए अपॉन ओ 5:8 का है शुरू में, और 15 सेब निकालने के बाद ए माइनस 15 डिवाइड बाय ऑरेंजेस ओ, ये जो है ये 1:4, 1/4 हो गया। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो रेशो जो है पहले और 15 सेब निकालने के बाद उसको जाहिर कर रही हैं। तो अब पहली इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8A हो गया, और दूसरी तरफ सीधे हाथ पे 5O हो गया, ये 50 नहीं, ये 5 times O है ये, ठीक है। और इसको हमने 50 को हम जो है अगर सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ तफरीक दे दें, तो 8A-50 जो है वो उल्टे हाथ पे आ गया, और सीधे हाथ पे सिर्फ 0 है, सीधे हाथ पे ये 0 है, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन के साथ भी हमने यही काम किया, हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया a-15 को, तो 4a-60 हो गया, और ओ जो है वो दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1 times O है, दोबारा ये 10 नहीं है, 1 times O है, ठीक है। तो अब 4a, और हमने 1a से दोनों तरफ जो है वो उसको तफरीक दे दी, तो 4a-1a उल्टे हाथ पे आ गया -60, और दूसरी तरफ 0 रह गया, 60 को हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो सारे सारे एक तरफ हो गए और नंबर जो हैं वो सीधे हाथ पे हो गए, ठीक है। और अच्छा होता अगर हम शुरू से ए को एक्स ले लेते और ओ को वाई, तो ज़्यादा यानी ये चीज़ देखने में हमें परेशान ना करती। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो है वो एक सादा मसावात के जो जो निज़ाम है उसका एक लेसन पहले कर चुके, बिल्कुल वही तरकीब जो है वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं ए और ओ, और हमें इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से ताकि किसी एक वेरिएबल से जान छुड़ाई जा सके। हमने दूसरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम ए से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, माइनस से इसलिए ताकि -8a आ जाए, क्योंकि पहली इक्वेशन में +8a है, वो हमने दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखी और दोनों को जमा कर दिया,
और 8a और -8a आपस में कैंसिल हो गए, +2o -5o जो है वो हमें -3o मिला, और -120 +0 -120 हो गया, ठीक है जनाब। तो अब जो है उल्टे हाथ पे हमारे पास -3o है, हमने 3 -3 से दोनों तरफ जो है डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 40 या 40 आ गई, ठीक है। तो ऑरेंजेस जो है वो जो o है हमारा वेरिएबल, तो ऑरेंजेस जो है वो हमारे पास 40 है, और क्योंकि हमें मालूम है कि ऑरेंजेस शुरू और बाद में दोनों उनकी तादाद जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए शुरू में भी हमारे पास 40 ऑरेंजेस थे, 40 ऑरेंजेस थे, और बाद में भी 40 ऑरेंजेस है हमारे पास। अब ये ओ की जो वैल्यू है ये किसी भी इन दो इक्वेशंस को में आप लगा दें तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम पहली में लगा लेते हैं, 8a इज इक्वल टू 5o, तो ओ 40 हो गया, 5 टाइम्स 40 जो है वो 200, 8a 200 के बराबर हो गया, और ए जो है वो 200 डिवाइड बाय 8 जो 25 के बराबर होता है, ठीक है। तो एप्पल्स जो है शुरू में हमारे पास 25 थे यानी 25 थे, और ऑरेंजेस हमारे पास 40 थे 40 थे, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप जमा करें 40 प्लस 25, तो हमें पता चल जाएगा कि शुरू में हमारे पास कितने फल थे, 65 हमारे पास जो थे वो फल थे जब हमने स्टार्ट किया इस प्रॉब्लम को, और जब इसमें से 15 निकाल लिए तो जाहिर बात है कि 65 में से 50 फ्रूट्स जब निकाल लिए गए, वो फ्रूट्स कोई भी हों, हमारे इस सवाल में वो सेब हैं, तो सिर्फ 50 या 50 जो है वो फल हमारे पास बाकी बच गए, ठीक है। और अगर कोई ये पूछे आपसे कि कितने सेब बाकी रह गए, तो आपको पता है कि पहले 25 थे, 25 थे, 15 उसमें से निकाल दें तो सिर्फ 10 या 10 एप्पल्स जो हैं वो बाकी रह जाएंगे, ठीक है। और आपके पास 10 एप्पल्स बाकी रह गए और ऑरेंजेस आपके पास 40 हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो नया रेशियो है 10:4, 1:4 का, वो यहाँ पर मौजूद है, यानी 10 को डिवाइड करें 40 से और आपको वो रेशियो मिल जाएगा, ठीक है जनाब, जाइए मज़े।